हेलो गाइस, आज है एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि कोट एक्स इक्वल माइनस के रूट 3 का मुख्य तथा व्यापक हल दोनों ज्ञात हमें करना है। तो सबसे पहले हम मुख्य हल ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए, हमने मुख्य और व्यापक हल ज्ञात करने के लिए साइन, कोस और टेन, इन तीन के बारे में नॉलेज प्राप्त की है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिखिए, कोट एक्स बराबर माइनस के रूट 3। तो हम कोट एक्स को चेंज किस में कर देंगे, 10 में। तो 1/10x इक्वल माइनस के रूट 3। अब यहाँ अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस के रूट 3 10x इक्वल 1। तो 10x इक्वल माइनस 1/√3 ये आपके पास आया। अब 10x माइनस के 1/√3 ये हमारे पास है। तो हमें ये पता है कि 10 किस किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। उस आधार पे हम पहले माइनस साइन का पता चलेंगे और फिर देखेंगे कि 10 में 1/√3 मान किसका है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास OSTC के रूल के हिसाब से हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, यानी पाई माइनस जो भी एंगल होगा वो यहाँ लिख के हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और टेबल में अगर हम देखें तो 10 1/√3 की मान क्या है, देखिए टेबल में, ये टेबल में 10 1/√3 का किसके इक्वल है, π/6, यही है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे पाई माइनस यहाँ लिख देंगे π/6, ये आपने लिखा। अब हम यहाँ से पाई माइनस π/6 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5π/6, यानी कि हम 10x इक्वल क्या लिख सकते हैं, 10 5π/6 ये होगा। तो हमारे पास 10x बराबर 10 5π/6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5π/6, और ये हमारे पास क्या हो गया, मुख्य हल। ये हमारे पास आया मुख्य हल। अब हम बात करते हैं व्यापक हल के लिए। व्यापक हल के लिए हमारे पास क्या है कि 10x इक्वल व्यापक हल, यहाँ लिख व्यापक हल की बात करेंगे तो 10x बराबर 10 5π/6 ये आपके पास में। और टेबल में अगर हम देखें, देखिए हमारे पास क्या आता है कि 10x और 10y इक्वल में, 10x इक्वल 10y हो, तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, x इक्वल nπ + y। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कोई इनके थ्योरम्स बताए थे, इस थ्योरम्स इनकी सॉल्यूशन निकाला था हमने जब ये नॉन जीरो के इक्वल हो। तब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 10x बराबर 10 5π/6, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, जब 10x बराबर 10y हो तो x बराबर क्या था, nπ + y। इसका इसके साथ कंपेयर करते हुए लिखते हैं तो x बराबर nπ + y की जगह क्या लिखा जाएगा, 5π/6, जहां n क्या है हमारे पास, एलिमेंट किसका है, z का। और ये हमारे पास क्या आ गया, व्यापक हल। क्लियर।